नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी शख्स बंदा औरत हो मर्द हो वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत से देखे अल्लाह उसको हज का सवाब अता फरमा देते हैं। क्या शान है, क्या मुकाम है और क्या बुलंदी है, क्या आजमत है वालिदैन की। लेकिन आज हमारे माशरे में, मुसलमान माशरे में भी अफसोस है कि वालिदैन को वो मकाम नहीं दिया जाता, ना वो इज्जत की जाती है। हर एक बंदा किसी हद तक एहतराम करता है वालिदैन का, लेकिन जितना उनकी अजमत है, वो जो मकाम बुलंद पर फायद अल्लाह ने उनको फरमाया, उस दर्जे का एहसास ही नहीं है हमारे मुसलमान औलाद को। इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स वालिदैन की खिदमत करे अल्लाह इसको हज उम्रे का सवाब अता फरमा देते हैं। कितने शान के मालिक हैं ये वालिदैन। बल्कि एक रिवायत में है कि एक सहाबी है, या रसूलल्लाह मैं आपके साथ जिहाद में जाना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया जाओ, वालिदैन की खिदमत करो, तुम्हारे लिए यही जिहाद है। आज हमारे मुआशरा टूट फूट का शिकार है। वालिदैन को धक्के देकर निकाला जाता है, वालिदैन से मुतालबे किए जाते हैं कि जायदाद हमारे नाम करो, और कभी ईदी के हवाले कर दिया जाता है, कभी छिपा के, कभी मार भी दिया जाता है। कितना जवाल आ गया हमारे माशरे में। हालांकि दुनिया में कोई शख्स कामयाब नहीं हो सकता वालिदैन की दुआ के बगैर और खिदमत के बगैर, और दुनिया में कोई शख्स इतना परले दर्जे की जिल्लत पे नहीं जा सकता जब तक वालिदैन का वो बेअदबी या गुस्ताखी ना करें। दुनिया में जितने पागल है, मेरा ज़ाती तजर्बा और वो है तहकीक है कि दुनिया में जितने पागल हैं उसमें मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, कोई एक पागल ऐसा नहीं है जो वालिदैन का फरमाबरदार हो। और पागल हो दुनिया में नहीं मिलेगा। ये पागल वही है जो वालिदैन के बिना फरमाने किसी हद तक, बाकी भी बीमारियां होंगी, जुर्म होंगे, गुनाह होंगे, गलतियां होंगी, लेकिन वालिदैन की गलती, वालिदैन की नाफरमानी सबसे टॉप ऑफ लिस्ट है। ये दुनिया में जितने पागल हैं ये सारे नाफरमान हैं। तो मेरी इल्तजा है, मेरी दरख्वास्त है, कामयाबी के गौर पूछते हैं हमारे नौजवान तालिबे इल्म, शराएँ पूछते हैं कामयाबी की शराएँ क्या है, कामयाबी का राज क्या है। कामयाबी का सबसे बड़ा राज वालिदैन की फरमाबरदारी है। दुनिया में कोई एक शख्स टॉप की जगह पर नहीं पहुंचा जो वालिदैन का नाफरमान हो, और दुनिया में कोई एक शख्स नीचे जलील नहीं हुआ जो वालिदैन का फरमाबरदार हो। दुनिया में दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से वही शख्स टॉप पर पहुंचा है जो वालिदैन का जितना ज़्यादा फरमाबरदार है उतना बुलंदी पर पहुंचा है। चाहे वह गरीब के झोंपड़े में पैदा क्यों ना हुआ हो, लेकिन महल्लात से निकलेगा वो शख्स जो वालिदैन का फरमाबरदार है। मैंने कुछ कहानियाँ पढ़ी कि एक शख्स के पास एक बूढ़ी आई और नाबीनी थी, और उसने अपने नौकरों को, मुलाजमों को कहा धक्के देकर इसको निकाल दो। निकाल दिया गया। वो वापस जा रही थी, बेचारी नाबीनी थी, एक्सीडेंट हुआ, मर गई। उसके हाथ में पर्ची थी, और ये शख्स जिसके दरवाजे पर आई थी ये बेटा था उसका, और ये बड़ी कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर था, जीएम था। तो अब ये जमर के जब वो शख्स कहीं बाहर निकला, गाड़ी पे जा रहा था, देखा तो लोग इकट्ठे हैं, गया, एक बुढ़िया मरी हुई है, उसके हाथ में पर्ची है, बेटा पर्ची में ये लिखा हुआ था, और यही बदबخت था जो अभी गाड़ी पर जा रहा है और देखने के लिए रुका है, तो पर्ची पर लिखा था, हाथ में पर्ची थी और मर चुकी थी बुढ़िया, कि बेटा जिस आंखों से तुम देखते हो, जिन आंखों को तुम चलते हो, ये बचपन में तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी बिनाई जय हो गई थी। मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर ये मेरी दोनों आंखें निकाल के मेरे बेटे के दे दो, मैं नबीना गुजारा कर लूँगी, मैं ज़िंदगी ऐसे गुजार लूँगी, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करती मेरा बेटा आंखों के बगैर हो। बेटा ये तुम्हें आँखें दी थी, आज उन्हीं आंखों से देखते हो और मुझे धक्के देते हो, और वो मर चुकी थी। इसी तरह एक शख्स वो खुद लिखता है, कहते हैं कि मेरी माँ ने एक तोहफा दिया कि बेटा ये सालगिरह है तुम्हारी, और इस ये लेटर है, ये मेरी मौत के बाद खोलना। जब वो मर गई तो उस बेटे ने खोला तो उनका, बेटा तेरा दिल, तेरे जिगर, तेरे फेफड़े खराब हो चुके थे, ये मैंने सारे अजाब ने दिए थे, और मैंने मौत को गले लगा लिया था ताकि मेरा बेटा जिंदा रहे, मेरा सलामत रहे, मेरे बेटे को तकलीफ ना हो, और मैंने मौत को गले लगा लिया, तुझे तकलीफ और नुकसान और परेशान ना होने दिया। जहाँ वालिदैन, बल्कि एक शख्स अभी कराची में ही वाकया है पाकिस्तान के, एक बंदा अपनी वालिदा को लेकर गया हॉस्पिटल में, वो तड़प रही थी और करीब अलमर्ग थी, और आखिरी दिन थे, बस के चंद घंटे चंद मिनट बाकी थे। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा उसका कान आगे करो, डॉक्टर ने कान आगे किया। डॉक्टर कहती है, डॉक्टर महंगा इलाज नहीं करना, महंगी गोलियां और महंगे इंजेक्शन नहीं लगाना मुझे,
मुझे सस्ते इंजेक्शन से मेरा काम चलाना, मेरे बेटे के पैसे ज्यादा ना लगे, ताकि मेरे बेटे को तकलीफ ना हो, दुख ना हो, उसे कोई कर्जा नहीं लाने पड़े, उधार नहीं लेना पड़े, मैं मर जाऊंगी ये बेहतर है बनिस्बत इसके कि मेरे बेटे की जेब पर बोझ हो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। डॉक्टर, ऐसा इलाज करना, ऐसी गोलियां और इंजेक्शन देना जिसकी कीमत कम हो, ताकि मेरे बेटे को तकलीफ ना हो, और इसी के साथ ही मौत को गले लगा लिया। आज वही औलाद ईदी के हवाले कर देती है वालिदैन को, छिपा के हवाले कर देती है, धक्के दे देती है और बोझ समझती है। जो वालिदैन 10-10 औलादों को पालते हैं, आज वही औलाद एक वालिदैन को नहीं पाल सकते, धक्के देते हैं। मैं जाती तौर पर जानता हूँ, एक दोस्त हैं, उन्होंने माँ को एक इधर उधर धक्के देते रहे कि आज तुम पालो, आज भाई बहन को कहते हैं, बहन भाई को कहती है, उधर ये रखो तुम अपने पास रखो, तुम इतने दिन रखो। हालांकि ये एजाज था, ये कामयाबी थी, ये जन्नत थी और यही बचाव था तकलीफों से, लेकिन ना पहचान सके, यहाँ तक बेचारी मर गई। तो मेरी अल्तजा, मेरी दरख्वास्त है कि हम पहचाने अपने वालिदैन को, ये कामयाबी है, यही जन्नत है, यही इज्जत है और यही दुनिया से बचाव है परेशानी का। बल्कि एक किताब में एक अंग्रेज ने लिखा कि वालिदैन छत है टीन की, लेकिन औलाद को कदर नहीं होती। जब वो मौजूद होती है वालिदैन, तो कहते हैं टीन टां टां करता है, ये शोर करता है, शोर को हटा दो, लेकिन वही टीन की छत जब हट जाती है, तो फिर जब कड़ी धूप लगती है, सूरज की गर्मी लगती है, तब एहसास होता है वालिदैन कितना नेमत है, हमें कदर पहचाननी चाहिए।